सो दीज आर एडजस्टेबल डिप बार्स, यकीन नहीं होता, वॉच दिस। अब आपको यकीन होगा। सो दीज आर द न्यू सीज डिप बार्स एंड लेट मी नाउ शो यू हाउ दे एक्चुअली वर्क। सो बेसिकली दिस इज द डिप बार एंड ये आपके स्पॉटर आर्म के जो साइड पे होल्स है वहाँ पे लगता है, ठीक है। आपको पहले इस स्क्रू को पीछे से ऐसे निकाल देना है, इसको अलाइन करना है एंड फिर इसको ऐसे गोल गोल घुमा के अंदर घुसा देना है एंड देयर यू हैव योर डिप बार टू कम्प्लीटली वर्क फॉर यू फ्लॉलेसली। तो एज यू कैन सी गाइस कि दिस डिप बार्स आर एक्चुअली क्वाइट, दिस डिप बार्स आर वेरी स्टेबल कंसिडरिंग कि ये सिर्फ एक क्वाड रैक पे लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज नॉट इवन अ पावर रैक एंड लुक एट हाउ स्टेबल दे आर। कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी शेक, कुछ भी नहीं हो रहा है। दैट इज मेनली ड्यू टू दिस डिजाइन, क्योंकि ये डिजाइन दोनों अपराइट्स पे लगता है, इसीलिए ये डिप बार्स इतने स्टेबल है, बिकॉज ज्यादातर डिप बार्स इस क्वाड रैक पे पूरा ऐसे हिलते हैं। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस डिप बार्स कि दे आर कम्प्लीटली एडजस्टेबल, ठीक है। यहाँ पे आप जो होल्स देख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी होल्स में इस डिप बार को लगा सकते हैं एंड फिर आपको अगर वाइड डिप्स करना है या फिर नैरो डिप्स करना है वो आप इस पे इजिली एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल जो पावर रैक के जो डिप बार्स आते हैं उसमें ऑफकोर्स वो एक वाइड डिप अटैचमेंट होता है लाइक दिस एंड उसमें जो आपको मिलता है आपको उसमें ही डिप्स करना होता है। एंड पर्सनली फॉर मी एज यू कैन सी आई डोंट हैव द वाइडेस्ट शोल्डर्स, तो मेरे लिए वो वाइड डिप बार काफी वाइड हो जाता है एंड इट डज नॉट फील कंफर्टेबल ऑन माय शोल्डर्स। हाउएवर विद दिस आई कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू माय शोल्डर विथ एंड आप भी अगर कर पाएंगे एंड आप भी इजिली कर पाएंगे। आपको अगर वाइड चाहिए, नैरो चाहिए, वो आप इजिली इस पे एडजस्ट कर पाएंगे। The biggest selling point of this dip bars I would say is the adjustability. I बहुत दिनों से एक dip bars ढूंढ रहा था जो है जो ऐसे adjustable हो जाए and these are flawless. However, there is one thing guys, मैं आपको इस dip bars पे ऐसे डिप्स करने के लिए रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ बिकॉज दिस इज अ स्क्वाट रैक और जितना दूर आपका बॉडी वेट जाएगा उतना चांसेस कि ये स्क्वाट रैक ऐसे गिर जाए। अगर आपके पास पावर रैक है तब आप किसी भी डायरेक्शन में फेस करके डिप्स कर सकते हैं, बट फॉर अ स्क्वाट रैक आई वुड रिकमेंड कि स्क्वाट रैक जिस तरफ है उस तरफ ऐसे डिप्स करो। दिस इज वे वे मोर स्टेबल एंड यू विल फील वे सेफर एज कम्पेयर टू अगर तुम इस तरफ ऐसे डिप्स करते हो, बिकॉज ज्यादा लंबा मोमेंट आर्म होगा तो ज्यादा स्क्वाट रैक उलटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट दीज डिप बार्स आर सो मल्टी फंक्शनल, आप इससे सिर्फ डिप्स नहीं, आप इससे बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप चाहे तो आप इससे मल्टी ग्रिप कैन डू न्यूट्रल ग्रिप पुल अप्स, वॉच दिस। ओके सो न्यूट्रल ग्रिप पुल अप टेस्ट। As you can see, it is so stable and it is not much different than doing pull-ups on these thing. तो आप इस पर neutral grips pull-ups भी कर सकते हैं। फिर लाइक अगर आपके squat rack में neutral grips नहीं है, this is how you can easily do it. You know what else you can do with this? अगर आप चाहे तो इसको आप as a weight plate storage भी use कर सकते हैं। Let me show you. Okay, तो basically आपको इस इन dip bars का side में लगा देना है and फिर इसके बाद You can easily store weight plates on them जब आप इसको यूज नहीं कर रहे। Of course, storing weight plates on this will not be ideal because ये एक squat rack है, ठीक है। अगर आप ऐसे साइड में weight plates store करेंगे तो जब barbell यहाँ पे लगेंगे तो प्लेट डायरेक्टली हिट कर जाएंगे और आप एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाएंगे। बट इफ यू हैव अ पावर रैक देन आप पावर रैक के बट इफ यू हैव अ पावर रैक तो आप पावर रैक पे ये हैक इजिली कर पाएंगे एंड आपको वेट प्लेट स्टोरेज अलग से खरीदने की कोई जरूरत नहीं। यू कैन जस्ट यूज दीज एज वेट प्लेट स्टोरेज। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू एडजस्ट, ठीक है। आपको इसको यहाँ से ऐसे निकालना होगा, फिर आपको इसको ऐसे गोल 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 घुमाना होगा एंड दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एडजस्ट, ठीक है। दिस टेक्स एटलीस्ट 30 सेकेंड्स टू प्रॉपरली एडजस्ट एंड कभी कभी आपके फोर आर्म्स बर्न करने शुरू हो जाते हैं बिकॉज यू नो आपको ऐसे 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 घुमाना ही पड़ता है। Another potential problem is I would say कि ये dip bars सिर्फ 5/8 of an inch hole या फिर 16 mm hardware के जो holes होते हैं सिर्फ उसमें घुसेंगे। अगर आपके holes इससे बड़े हैं या फिर छोटे हैं फिर ये dip bars आपके
आपके पावर रैक या फिर स्क्वाट रैक में फिट नहीं होंगे। इस डिबर्स विल फिट ऑल रैक जिसके 16mm होल हार्डवेयर है या फिर 5/8 ऑफ एन इंच के होल हार्डवेयर है, जैसे कि सीच फिटनेस के सारे रैक्स में फिट हो जाएंगे, बुलडॉग फिटनेस के सारे रैक में फिट हो जाएंगे। और जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर ऑफ रैक्स है जो कुछ भी होल साइजिंग यूज करते हैं उनमें ये डिबर्स फिट नहीं आएंगे। तो डिबर्स अभी के लिए आई वुड से कि सीच फिटनेस और बुलडॉग फिटनेस के जितने भी रैक्स हैं उनके जो स्पॉटर आर्म्स पे जो ये साइड होल्स है उन पे आराम से फिट आ जाएंगे। एक्सेप्ट फॉर दैट दिस डिबर्स आर अमेजिंग यार, आप इसमें इतने सारे एक्सरसाइज के वेरिएशन कर सकते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आप इस पे ऐसे बॉडी वेट रोज कर सकते हैं, आप इसमें बेसिकली कैलिस्थेनिक्स के जो जितने भी एक्सरसाइज होते हैं जिसमें कैलिस्थेनिक्स के जितने भी एक्सरसाइज होते हैं जिसके लिए आपको ऐसे दो या फिर एक स्ट्रेट बार चाहिए कोई भी एक पर्टिकुलर हाइट या फिर एंगल पे, आप इन डिम्बर्स को कोई भी पर्टिकुलर हाइट या फिर कोई भी पर्टिकुलर एंगल पे लगा के कैलिस्थेनिक्स के जितने भी एक्सरसाइज है सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट टू गेट वेरी वेरी क्रिएटिव विद दिस डिम्बर्स। तो अगर आपको अभी इन डिम्बर्स को खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा अलोंग विद माय कूपन कोड विच इज रहा 100। इफ यू यूज माई कूपन कोड रहा 100 देन आपको इन डिम्बर्स के ऊपर एक स्वीट लिटिल डिस्काउंट मिल जाएगा। And I would just say कि these are way better than wall-mounted dip bars, you know, because in terms of stability, these are very, very good. आपको ये फिक्र नहीं करना होगा कि आपका wall कितना strong है, आपका wall आपका weight ले पाएगा या फिर नहीं। For that purpose, these are very, very good. However, you do need a siege fitness or a bulldog fitness rack जिसके 16mm hardware है और ऐसे spotter arms के side पे holes है, नहीं तो आप इन dip bars को use नहीं कर पाएंगे। अभी अगर आपको मेरे होम जिम में और भी कुछ पसंद आया जैसे कि स्क्वाट रैक, वेट प्लेट, देन का रिव्यू आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा। बाय बाय।